नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 नवंबर 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बात करें पहले आर्टिकल की, तो वो आर्टिकल है क्या हुआ है। राजस्थान के टोंक जिले के एक एमएलए थे, इन्होंने इनका नाम था नरेश मीणा, ठीक है, इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया है एक एसडीएम को, इससे संबंधित है। तो अब देखो, हम नहीं डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्यों थप्पड़ जड़ा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में काम नहीं आएंगे। हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। वो क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में काम आ सकती, तो जैसे इस प्रकार की कोई राजनेता है, ठीक है, जनसेवक है, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए, जनसेवक, और दूसरा सामने कौन था, एसडीएम, ये कौन है, पब्लिक सर्वेंट, उनके साथ में, पब्लिक सर्वेंट के साथ में दुर्व्यवहार करता है, उसे अपने ड्यूटी से काम करने से रोका जाता है, तो इन सब के परिणाम क्या होता है, ठीक है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे कैसे रोका जाना चाहिए, इस सब के बारे में देखेंगे। साथ ही साथ में बात करेंगे इलेक्शन के दौरान ऐसी गतिविधियां होती हैं तो इसका इलेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इलेक्शन प्रभावित होते हैं नहीं होते, होते तो कैसे होते हैं, ये सब चीज़ों पर देखेंगे। आखिर में देखेंगे मीडिया की इसमें क्या भूमिका है, ये सब चीज़ें हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस में, डायरेक्ट क्वेश्चन आए या इनडायरेक्ट आए, एथिक्स में क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार का, ठीक है, वहाँ पे रोल पूछा जा सकता है, या जीएस के किसी पेपर में क्वेश्चन आए तो आप, है ना, इस पॉइंट को दे सकते हो। तो बात करें सबसे पहले हुआ क्या, हम देखेंगे नहीं, हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें घटित हुई है। ये है ना, पहला इसमें डायमेंशन आएगा वो लीगल, ठीक है, एंड एथिकल। लीगल का मतलब होता है जो कानूनी रूप से वैध है नहीं, उसके बाद में फिर नैतिक रूप से वो वैध है कि नहीं है, इन दोनों चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो लीगल के बारे में बात करें तो ये वॉयलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इलेक्टोरल नॉर्म्स, यानी कि चुनावी जो नॉर्म होते हैं, चुनावी जो नियम होते हैं, उनके ये खिलाफ हो जाता है, यानी कि साफ साफ कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन नॉर्म के खिलाफ जाएगा। अभी चुनावी मानदंडों के उल्लंघन किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा कि कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो क्या काम करवा रहा है, वो इलेक्शन करवा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई राजनेता हो, कोई आम आदमी हो, अगर आके उस पब्लिक सर्वेंट के साथ में हाथापाई करेगा, उसके साथ में दुर्व्यवहार करेगा, तो ये है ना, चुनाव के दौरान उस पर बुरा संकेत जाएगा। साथ ही साथ में ये आईपीसी के भी खिलाफ है, क्योंकि किसी पे मारना तो आईपीसी खिलाफ है, और ये चुनाव के दौरान जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, गाइडलाइन जारी की जाती, उसके भी खिलाफ आता है, क्योंकि चुनाव वो शांतिपूर्ण होने चाहिए, अगर ऐसे ज़बरदस्ती चुनाव करवा जाओगे तो ये उल्लंघन हो जाएगा, तो चुनावी मानदंडों का उल्लंघन है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसका असर देखने को मिलता है, वो है अधिकारों को कमज़ोर करना। कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, आप उसके साथ में दुर्व्यवहार करोगे तो ये उसके अधिकारों को कम करने की बात होगी, ठीक है, इस प्रकार की है। दुर्व्यवहार से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, एक नकारात्मक मिसाल कायम होती है, और जिसका असर है वो चुनावी प्रक्रिया पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, ये तो दो पॉइंट आ गई इसके अंतर्गत, और ये अलग से भी दूसरा पॉइंट, उसके बारे में बात करें तो चुनावी अखंडता पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब चुनावी अखंडता क्या, तो इंटीग्रिटी पर कैसे प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव पड़ता है, इससे क्या होता है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर है वो खतरा बन जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति है वो कानून से भी ऊपर चला जाता है, कानून को हाथ में लेकर किसी को चांटे मारना, किसी के खिलाफ दुर्व्यवहार करना, तो ये कानून से भी ऊपर जाता है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा साबित हो सकता है, इससे पूरा मतदान का माहौल है वो प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ में हमारे एक कॉन्सेप्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का हमारा एक कॉन्सेप्ट है, तो ये उसके खिलाफ भी जाता है। आप जबरदस्ती किसी को वोट दिला दोगे, ऐसे तो मार के, जो चुनाव में अधिकारी काम कर रहे हैं उसके खिलाफ माहौल बना दोगे तो वो कैसे काम करेगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा ना, तो अपने कर्तव्यों से समझौता कर बैठेगा, इस प्रकार के हमले उसे कर्तव्यों से समझौता करने के लिए मजबूर कर देंगे, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसमें मीडिया की भूमिका भी है, जैसे इस मामले में मीडिया ने ना अच्छा काम किया था, फोटो ली और उस जो भी एमएलए था उस पर दबाव बनाया, तो उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, तो ये मीडिया की भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। उसके बाद में वे फॉरवर्ड के बारे में बात करें कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो पहले तो स्ट्रेंथन इलेक्शन डे सिक्योरिटी, जो चुनाव का दिन है उसके दौरान जो सुरक्षा होती है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। चुनाव के दौरान जो सुरक्षा की जाती है उसको मजबूत करने की पहला पॉइंट है, उसको आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादा लोग काम करेंगे, सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, तो इस प्रकार के जो भी खतरे हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ में जो अधिकारी तैनात हैं वो, उनके कैमरे भी लगे होने चाहिए, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है उसका रिकॉर्ड रहे कि इस प्रकार की घटना हुई है, कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है, वो सारी चीज़ें एक रिकॉर्ड में रह सकती है।
ताकि इसका कोई मिसयूज न कर पाए, कोई भी अधिकारी इसका मिसयूज न कर पाए। उसके बाद में कानून का सख्ताई से पालन होना चाहिए। जो भी कानून बने हुए हैं ऑलरेडी, उसका पालन है वो सख्ताई से होना चाहिए, और वो कानून है सबसे ऊपर होना चाहिए, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, ठीक है, चाहे वो कोई अधिकारी हो, उन दोनों से ऊपर होना चाहिए कानून। तो कानून की सख्ताई से पालन होगी तो इस प्रकार की गतिविधियाँ है वो देखने को नहीं मिलेगी। फिर है जागरूकता अभियान। चुनाव में इस प्रकार की जो वाक्य है वो नहीं होने चाहिए, ऐसा लोगों को जागरूक करना है, मतदाताओं को शिक्षित करना है कि इन प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं होना है। जो अधिकारी होती है उनकी भूमिकाओं का सम्मान करना है, इस पर भी प्रकाश डालना है, लोगों को समझाना है कि भाई जो भी अधिकारी हैं वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं, आपको चुनाव में भागीदारी निभाने के लिए, आपका चुनाव सफलतापूर्वक हो उसके लिए ही काम कर रहे हैं। मीडिया है वो सतर्कता बरत सकती है, मीडिया अगर जागरूक होगी तो ये अच्छे से निभाया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो यूपीएससी, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि ट्रंप ने कौन से डिपार्टमेंट नया बनाया है, पर एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या इस पॉइंट को कहीं यूज़ कर सकते हो कि भारत में भी इस प्रकार की एफिशिएंसी के लिए इस प्रकार के डिपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं। तो क्या हुआ, ट्रंप ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है। अब ज़्यादातर तो न्यूज़ में इसलिए है कि इसमें जो लोग शामिल हैं उसकी वजह से आ गया। तो ये लोग हैं, एक तो एलन मस्क हैं, एक भारत और इंडियन ओरिजिन के हैं रामास्वामी, इन दोनों के नेतृत्व में ट्रंप ने एक डिपार्टमेंट बनाया। डिपार्टमेंट का नाम क्या, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉग नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया है। ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉग नाम है, इसमें मस्क और रामास्वामी दोनों के नेतृत्व में ये बनाया गया है। काम क्या करेगा ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट करेगा, इसके जो पर्पस उद्देश्य के बारे में बात करें तो ये नौकरशाही को कम करेगा। ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है, नौकरशाही बहुत ज़्यादा होती है, तो अच्छे से काम नहीं कर पाते, टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, पारदर्शिता होती नहीं है। अगर पारदर्शिता नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट दे सकते हो नौकरशाही को कम करना। दूसरा, रेगुलेशंस बहुत, कोई भी नया काम करने से पहले बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, जो काम है उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो रेगुलेशंस को कम करने का काम करेंगे। साथ ही साथ में जो अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं तो उन खर्चों को भी कम करने का काम करेगी। ये जो संघीय एजेंसियाँ होती है उनका रिकंस्ट्रक्शन करेगी, उनका पुनर्गठन करेगी, जो कि वो अच्छे से काम करे, उनका मूल्यांकन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें वो इसका उद्देश्य है। तो ये आर्टिकल बस उसके बारे में था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो रियाद सम्मेलन के बारे में, रियाद समिट के बारे में। अब क्या है रियाद समिट और इसका असर क्या पड़ सकता है गाजा वॉर पर? तो सबसे पहले क्या हुआ, सऊदी अरेबिया ने, अब हमारे काम हो सकता है डायरेक्ट यूपीएससी, इस पर कम ही क्वेश्चन पूछने का चांस है, मेंस में कम ही है। प्रीलिम में रियाद कहाँ है, सऊदी अरेबिया की लोकेशन, इजराइल की लोकेशन, ये आसपास के जो भी दोस्त हैं इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। बात करें इसमें क्या हुआ रियाद समिट में, ये जो समिट है ना सऊदी अरेबिया द्वारा होस्ट किया गया था। इसमें कौन कौन शामिल थे, इसमें अरब कंट्रीज शामिल थी, साथ ही साथ में मुस्लिम देश है वो भी शामिल थे। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि अभी काफ़ी लंबे समय से इजराइल और जो गाजा है उनके बीच में तनाव चला आ रहा है, साथ ही साथ में अभी लेबनान के बीच में भी तनाव चला आ रहा है। तो ये अरब कंट्रीज है, खास करके सऊदी अरेबिया, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में तनाव है, तो सारे सऊदी अरेबिया खुद को स्थापित करना चाहता है, इसलिए सऊदी अरेबिया ने ये समिट करवाया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इजराइल और लेबनान और गाजा के बीच में जो वॉर चल रही है, ठीक है, फिलिस्तीन के बीच में जो वॉर चल रही है, इस वॉर को रुकवाया जाए और फिलिस्तीन के लिए मांग उठाई जाए, ये सारी चीज़ें इसमें डिमांड की जा रही है। तो एक बार इसको देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में हमने देख लिया सऊदी अरेबिया ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को संबोधित करने के लिए अरब और इस्लाम के नेताओं के लिए एक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है, इसमें गाजा संकट पर ध्यान केंद्रित था। महत्व क्या होगा इसमें, इन इन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। क्या पहली है कि पहली है कि इजराइल, और अभी क्या हुआ था इजराइल की जो ये अरब के देश थे ना इनके साथ में रिश्ते सुधरते जा रहे थे। आपने देखा होगा 2020 में इब्राहिम एकॉर्ड हुआ था, इब्राहिम एकॉर्ड में कौन कौन से देश शामिल थे, यूएई था, बहरीन था। अब इन देशों के साथ में ना आप देख लो कि लास्ट कुछ टाइम से सऊदी अरेबिया के भी इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे होते जा रहे थे। तो ये सब चीज़ें हैं वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए भी अच्छी नहीं थी, ईरान भी इससे नाखुश था। तो अभी है इस जो शिखर सम्मेलन हुआ है ना, इससे क्या होगा, ये जो अब्राहम एकॉर्ड वगैरह होगा था इसकी स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा, और ये जो संबंध बने थे ना इजराइल और किनके अरब देशों के बीच में, इन संबंधों में वापस खटास पैदा हो सकती है। तो पहला पॉइंट यही कहना चाहता है
ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है रियाद शिखर सम्मेलन, इसे इजराइल और जो अरब देश हैं उनके बीच में संबंधों में खटास पैदा हो सकती है। इब्राहिम एकॉर्ड जो हुआ था वो फेल हो सकता है। दूसरी इसमें बात की गई है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास का हमला हुआ था, उसके बाद में इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की थी। अब इसके बाद में ही इजराइल के खिलाफ है वो विरोधी भावनाएं बढ़ गई थी, तो इस पे ये प्रकाश डालेगी कि इजराइल है इस प्रकार से विरोधी क्यों हो गया है, इजराइल इस प्रकार से अटैक क्यों कर रहा हमास पे, इस पे भी फोकस किया जाएगा। तीसरा है अमेरिका और इजराइल को संदेश देना। इसमें साफ साफ कहना है अरब देशों का ये समिट है इसमें कि जो भी है ना वेस्टर्न कंट्रीज वो बिना शांति समझौता करवाई ये फिलिस्तीन का जो मुद्दा है उस मुद्दे को संबोधित किए बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। साफ साफ संदेश यही है कि अगर यहाँ पर आपको वेस्टर्न एशिया में अगर शांति स्थापित करनी है तो फिलिस्तीन के मुद्दे का समाधान आपको देना ही होगा। ये साफ साफ संदेश दिया गया है अमेरिका को और इजराइल को, किसके द्वारा, अरब देशों के द्वारा। ठीक है, ये तो इसमें था। अब अरब और इजराइल के बीच में जो संबंध है वो किस प्रकार के थे, पास्ट के बारे में बात करें, पास्ट में इनके बीच में काफ़ी बार युद्ध हो चुका है। लास्ट युद्ध होगा वो 1973 में, लास्ट 1973 में इनके बीच में वॉर हुआ था जिसमें इजराइल और अरब के देश हैं वो आमने सामने थे, लेकिन इस वॉर में इजराइल जीत गया और अरब देश है वो हार गए थे। तो उसके बाद में अरब देश है वो इजराइल पर डायरेक्ट वॉर करने से बचते आ रहे हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा 1979 में अरब मतलब मिस्र और इजराइल के बीच में शांति संधि हुई थी, इसमें है ना मिस्र ने फिलिस्तीन के लिए बात करी थी। साथ ही साथ में एक है इनका सनाई पेरेंसुला प्रायद्वीप है, इसको वापस लेने पर ध्यान केंद्रित था। और 1994 में 1994 में ये संधि हुई थी इजराइल और जॉर्डन के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, इसमें भी सेम सेम बात करी गई थी। 2020 में अब्राहम एकॉर्ड हुआ था, ये किसके बीच में, बहरीन यूएई मोरक्को सूडान के बीच में। इन्होंने फिलिस्तीन की मांगों को दरकिनार कर दिया और फिलिस्तीन को कोई मांग नहीं की थी, केवल इजराइल के साथ में शांति स्थापित करने पर फोकस किया था। ये तो इनका पास्ट था, लेकिन उसके बाद में ही इन्होंने किसी भी प्रकार से वॉर में शामिल नहीं हुए। इस दौरान ये जो मीटिंग हुई ना अभी, इसमें मोहम्मद बिन सलमान है ना, उन्हें इसराइल को नरसंहार कहा था। इसराइल ने जो कार्रवाई की है इसे नरसंहार किया था। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है सऊदी अरब और इसराइल के बीच में रिश्ते हैं वो अब नॉर्मलाइज नहीं होंगे, रिश्ते हैं इनमें खटास बढ़ती जाएगी। ठीक है, हम भारत का एंगल भी डिस्कस करेंगे, भारत का इसके क्या एंगल हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद में बात करें अरब राज्य हैं वो सैन्य स्थिति से डरते हैं, वो किसी भी बात बयानबाजी देते हैं बातें करते हैं पर इसराइल के साथ में वॉर होने से कतराते हैं। वॉर कोई नहीं कर रहा, सीधे सीधे वॉर कोई नहीं करना चाहता है। किस प्रकार की इसमें बात करी गई है वो हमने देख ही लिया है, वॉर हुआ था उसमें ईरान भी है, उस पर भी फोकस किया गया कि ईरान को भी इस समझौते में लाया जाए, सारे मुस्लिम देश एक होकर इसराइल को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसमें वे फॉरवर्ड के बारे में बात करें तो वे फॉरवर्ड की बात यही है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता होनी चाहिए, जो भी स्टेक होल्डर है लाइक यूएन है, इसमें यूएसए की भी भूमिका है, इसराइल है, अरब नेशंस हैं, ईरान है, ये सारे देश है ना, इन सबको मिलकर मुख्य इनका समझौता होना चाहिए कि जो दो राज्य का समाधान है उस पर बात करें और इस समाधान के लिए आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ में तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए, मानवीय सहायता है उनकी वकालत की जानी चाहिए। उसके बाद में बात करें अरब की जो एकता है ना उसकी पुष्टि करें, अरब देशों को एक रहना है और बताना है कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे और जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर सहमति बनाएंगे। साथ ही साथ में शांति पहल को मजबूत करने पर भी फोकस करना चाहिए। ये कुछ आप वे फॉरवर्ड में बता सकते हैं। भारत के एंगल के बारे में बात करें तो देखो भारत है इसके इजराइल के साथ भी संबंध अच्छे हैं, अरब देशों के साथ भी संबंध अच्छे हैं। भारत कभी नहीं चाहेगा कि इससे संबंध बिगड़े और इससे भी बिगड़े, भारत दोनों से संबंध अच्छे बनाए रखना चाहता है। अब वेस्ट एशिया में अगर कोई भी टेंशन होती है तो उसका नुकसान भारत को होता है, क्योंकि भारत है ना क्रूड ऑयल के लिए हमारा जो ऑयल वगैरह आता है वेस्ट एशिया से आता है, पहला पॉइंट ये है, तो इसमें नुकसान हो सकता है। साथ ही हमारा सऊदी अरब है, यूएई है, इनके साथ में अच्छा खासा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, मतलब ट्रेड अच्छा खासा होता है, तो इस पे भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। हमने देखा है कि भारत ईरान से होते हुए चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, तो ईरान और अफगानिस्तान से होते हुए एक अलग से ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाना चाहता है, तो अगर ईरान के रिश्ते हैं वो इसराइल के साथ खटास में होंगे तो ये भी इसका भी प्रभाव देखने को मिल सकता है, नुकसान देखने को मिल सकता है। तो भारत की स्थिति यही है, भारत के तो यही इंटरेस्ट है
कि यहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित हो। वो भारत है वो शांति के पक्ष में ही है और शांति स्थापित करने पर ही फोकस कर रहा है और भारत को आगे भी आना चाहिए। यहाँ पर मध्यस्थता निभा सकता भारत इजराइल और अरब देशों के बीच में शांति व्यवस्था स्थापित करने में, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ये भारत का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो इस डिस्कशन में ये आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करें तो 51वें चीफ जस्टिस कौन बने? संजीव खन्ना। अब ये तो बन गया हमें पता है, लेकिन हम वैसे कल परसों देख चुके हैं, पर बात करते हैं ना चीफ जस्टिस इनकी अपॉइंटमेंट होती क्या है। तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी वरिष्ठ यानी सीनियर मोस्ट जज होगा ना वो घोषित किया जाएगा। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको घोषित कर दिया जाएगा? तो वरिष्ठ जज होगा उसको घोषित कर दिया जाएगा। अब इनकी सिफारिश कौन करेगा? जैसे कि अभी ये बने हैं संजय खन्ना जी, तो इनसे पहले कौन थे? YV चंद्रचूड़, ठीक है। अब चंद्रचूड़ जी थे ना वो रिटायर होने वाले थे, तो रिटायर होने से पहले इन्होंने सिफारिश की होगी, रिकमेंडेशन की होगी किन के लिए? इनके लिए, संजय खन्ना जी के लिए, कि ये संजय खन्ना जी है वो नेक्स्ट सीजीआई के लिए मैं सिफारिश करता हूँ। सिफारिश इन्होंने की होगी किन्हें? चंद्रचूड़ जी ने, तो ये बन के सीजीआई। और इनको शपथ किसने दिलाई होगी? राष्ट्रपति जी ने नियुक्त, और शपथ कौन करता है? राष्ट्रपति करने का, राष्ट्रपति का ये काम होता है। तो ये तो हमने देख लिया चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। इसके लिए क्या होता है? लॉ मिनिस्ट्री होती है, वो अपनी सिफारिश किसको भेजती है? प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है, प्राइम मिनिस्टर सिफारिश नहीं, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है और फाइनली प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और चीफ जस्टिस है वो वरिष्ठ जो भी है सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएगा। वो यहीं यहाँ पे बात हुई है, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो उपयुक्त माने जाएंगे, सीजीआई की सिफारिश की जाएगी और उनको नियुक्त कर दिया जाएगा। कुछ साल ऐसे थे जब इस वरिष्ठता का जो रूल था उसे तोड़ा गया था, 64 है 73 है 77 है, हम इसको याद नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब काम के नहीं है। फिर देखा हमने लॉ मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपनी सलाह है वो राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपॉइंट कर लेते हैं। एक संविधान में बात करें तो संविधान के आर्टिकल 124(2) में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और वो कब तक अपने पद पे बना रहेगा? जब तक उसकी आयु है वो 65 वर्ष तक ना हो जाए, 65 ईयर तक की उसकी आयु ना हो जाए तब तक है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहेगा, और कोई भी जज बनेगा उसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये सिंपल सा कुछ पॉइंट है, आप याद रखना। अब इनकी सीजीआई की भूमिका क्या है? तो ये बराबरी में प्रथम है, यानी कि ये फर्स्ट अमोंग द ऑल है, मतलब इनका रोल है सीनियर मोस्ट जज होते हैं ये फर्स्ट अमोंग द इक्वल, जो बराबरी है उनमें पहले स्थान पे आते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था राजस्थान बनाम प्रकाश चंद, ये जो मामला आया था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ये नेतृत्व की भूमिका रखेंगे और जो ये जो न्यायालय है वो प्रमुख की भूमिका निभाएंगे, बट इनके पास में कोई अलग से पावर नहीं होगी, अलग से कोई न्यायिक अधिकार नहीं होंगे, बट ये जो बाकी जज होते हैं उनमें एक प्रमुखता की नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। इन्हें मास्टर ऑफ द रोस्टर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? किसी भी संवैधानिक पीठ की यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की गठन करना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को क्या होती है? 5 या 5 से अधिक जजों की जो बेंच होती है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की गठन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यही तय करते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही तय करते हैं कि संविधान पीठ में कौन कौन जज शामिल होगा और संविधान पीठ कैसे बनेगी, इसके बारे में तय करने का अधिकार है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है, इसलिए इन्हें मास्टर ऑफ द रोस्टर भी कहा जाता है। इनके बारे में ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कोलिज्म के बारे में। कोलिज्म क्या होती? कोलिज्म एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, इस सिस्टम के माध्यम से नियुक्ति की जाती, अपॉइंटमेंट किया जाता है। किसका अपॉइंटमेंट किया जाता है? तो इस सिस्टम के माध्यम से जजों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट करने के लिए, सिफारिश करने के लिए एक प्रणाली है जिसे कॉलेजियम प्रणाली कहा जाता है। अब बात करें कॉलेजियम प्रणाली की, सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट करना है तो इसमें कॉलेजियम प्रणाली बनेगी, उसमें एक तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
मुख्य न्यायाधीश होंगे, उसके अलावा चार सीनियर मोस्ट जज है वो शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी न्यायाधीश की किसी जज की अपॉइंटमेंट करनी है तो उसके लिए एक कमेटी बैठेगी जिसे कहा जाता है कॉलिजन, ठीक, कॉलिजम कहा जाता है। इस कॉलिजम में एक तो होंगे मुख्य न्यायाधीश होंगे भारत के, और चार है वो सीनियर मोस्ट जज होंगे, वरिष्ठ जज होंगे वो शामिल होंगे। इनको सिफारिश कौन देगा? ये अब जो अपनी सिफारिश होंगे वो देंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति या तो इनको वापस भेज सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। अगर राष्ट्रपति ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, राष्ट्रपति एक इनको मानना ही पड़ेगा भाई, कॉलेजियम का जो भी नाम चेक कर ले, कॉलेजियम नाम दो तीन नाम दे देंगे, उनमें से राष्ट्रपति को एक को सुप्रीम कोर्ट का जज है वो नियुक्त करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति है वो फाइनल डिसीजन लेते हैं, ये होता है कॉलेजियम का बना। हाई कोर्ट के बारे में बात करी तो हाई कोर्ट में जो भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो प्लस दो सीनियर मोस्ट जज होते हैं। हाई कोर्ट में एक तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और दो सीनियर मोस्ट जज वो जाके फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हाई कोर्ट में जज कौन बनेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और ये जो अपॉइंटमेंट है वो एक तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आर्टिकल 24 में वो सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट करेगा, और 217 में हाई कोर्ट के। राज्यपाल नहीं कर रहा, राज्यों में भी राष्ट्रपति ही कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में तो वो करेंगे, 124 में तो सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जजों की अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति। 124 सुप्रीम कोर्ट और 217 हाई कोर्ट। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। कॉलेजियम के बारे में हम देख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में दो वरिष्ठ जज उसके बारे में देख चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जब ये बना था तब इसमें कितने जज थे? एक तो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सात अलग से, तो 8 जज थे स्टार्टिंग में। अभी कितने हैं? अभी 34 जज है। समय समय पर जजों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट बुलडोजर वाला ये आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे नहीं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो प्रोजेक्ट चिता के बारे में। ये सक्सेसफुल हो गया इसलिए जो नेक्स्ट है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है। इसके बारे में बात करें प्रोजेक्ट चीता की, तो इसके लिए कुछ हम पॉइंट पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्था के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्था के बारे में जो भी पॉइंट बताएंगे वो प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए आप स्टार लगा लो और ध्यान से देखना। सबसे पहले भारतीय वन्य जीव संस्था WII, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या काम करती है? काम करती है ये वन्य जीव अनुसंधान के लिए, यानी कि वाइल्ड लाइफ में रिसर्च के लिए ये प्रबंधन मैनेजमेंट का काम करती है, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेन करने का काम कर सकती है, और साथ ही साथ में शैक्षणिक पाठ्यक्रम वो तय करती है, और परामर्श देने का, एडवाइस देने का भी काम करती है। यानी कि वन्य जीवों के लिए जो अनुसंधान, रिसर्च का, मैनेजमेंट का, ट्रेनिंग का काम करती है, साथ ही साथ में एडवाइस देने का काम करती है, वो WII करती है। तो WII के बारे में ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर कई देशों से जो भी अधिकारी होते हैं वो सीखने भी आते हैं, ये पॉइंट नहीं भी रखोगे तो चलेगा, ये पॉइंट याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। डायरेक्ट UPSC ऐसे नहीं पूछेगी इसकी स्थापना कब हुई थी, बट चार आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, वहाँ पर लिखा होगा इसकी स्थापना है वो 1972 में हुई थी, 1961 में हुई थी, तो ऐसे नहीं, इसकी स्थापना है वो 1982 में हुई थी। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए ये चीज़ें याद रखनी चाहिए आपको। उसके बाद में हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर है वो देहरादून में, इसे स्थापित है वो देहरादून में किया गया था। अब बात करें कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये एक ऑटोनोमस संस्थान है, ये एक स्वायत्त संस्थान है, ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट विजन क्या है? विजन भी याद रखना, इसका विजन है अनुसंधान करना, प्रशिक्षण करना और इसके लिए काम करना, साथ ही साथ में उत्कृष्टता को वैश्विक केंद्र पर बढ़ावा देना, यानी कि जो भी इस पर जो भी स्थिति है उसको आगे बढ़ाने का काम करना, विश्व लेवल पर बढ़ाने का काम करना है, वर्ल्ड लेवल पर, वो इसका एम है, विजन है। मिशन के बारे में बात करें तो ये विज्ञान को, विकास को बढ़ावा देगा, हमारी संस्कृति के सामाजिक और आर्थिक परिवेश है उसको बढ़ावा देगा, इसमें जो अनुप्रयोग होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, उनको बढ़ावा देने का काम करेगा। तो स्थापना कब हुई थी? 1982 में। कहाँ पर? देहरादून में। कौन से मिनिस्ट्री में आती है? पर्यावरण और वन मंत्रालय में आती है, इन ऑटोनोमस संस्थान है और वैश्विक उत्कृष्टता की ओर ध्यान देगी। तो ये इसके बारे में कुछ तथ्य थे, कुछ फैक्ट थे, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव और एम के बारे में बात करते हैं। वही ऑब्जेक्टिव है वन्य जीव संस्थानों का, वैज्ञानिक ज्ञान है वो निर्माण करना है, वन्य जीव संरक्षण के लिए कर्मियों को जो भी होते हैं उनको ट्रेन करने का काम करती है, रिसर्च करने का काम करती है, सलाह देने के काम करती है,
वन्य जीवों के लिए, ये सारे ये काम करने, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठनों के साथ सहयोग करने का काम करती है। तो ये सारे काम है वो WIIA के द्वारा किए जाते हैं, इसके बारे में भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी गई है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। ये जो बात है ना, ये टेंशन वाली बात है। क्या हुआ है, भारत में है ना 20 चीते हैं वो बाहर से लाए गए थे, लेकिन यहाँ पर वो सर्वाइव कर नहीं पा रहे हैं। तो उसमें 2 चीते हैं वो मर गए, अभी 18 चीते बन गए। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि अभी है ना कुछ अलग प्रकार से इनको जिंदा रखा जाए, तो इनके लिए कोई अलग है वो मॉडल अपनाया जाए। अभी बात चल रही है कि दक्षिण अफ्रीका का जो मॉडल है उस आधार पर इनका सर्वाइवल किया जा सकता है। तो ये सब इसमें बातें हो रही है। ये बात कर लो, अभी 20 लाए थे, 2 मर गए, अभी 18 बचे, तो ये इसके बारे में बात हुई है। तो ये सारी पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं। कुछ यहाँ पे डिफरेंस भी दे रखा है, ये चीता है, ये लियोपोल्ड है, ये जगवार है, इनमें अंतर क्या होता है। इसका मुंह देखो, इसका मुंह राउंड शेप में है, इसका मुंह देखो ये एंगुलर है, इस टाइप से बना हुआ है। और जगवार है, इसका देख लो ये लार्ज मुंह है, ठीक है, इसकी पूंछ छोटी है, इसकी पूंछ बड़ी है, और इसके धब्बे देखो अलग अलग टाइप के हैं। ये सॉलिड ब्लैक धब्बे हैं, यहाँ पे स्मॉल धब्बे, छोटे छोटे ब्लैक धब्बे हैं, और यहाँ पे अलग प्रकार के धब्बे हैं। बात करें चीता की, तो ये IUCN में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो चीता 2 प्रकार के, एक तो है एशियाटिक चीता, दूसरा है अफ्रीकन चीता। एशियाटिक है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, एशियाटिक है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, CR में आता है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और अफ्रीकन वाला है वो वल्नरेबल है, अफ्रीकन वल्नरेबल है, और ये जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर लियोपर्ड है, ये वल्नरेबल है, साथ में जगवार है वो नियर थ्रेटेंड है। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी ये डिफरेंस दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीता के बारे में बात करें, तो ये इसका साइंटिफिक नाम है, याद रखने की आवश्यकता नहीं। सबसे तेज वो जानवर है, काफ़ी तेज दौड़ता है, ईरान में है, अफ्रीका में और भारत में पाया जाता था, लेकिन भारत में अभी वो ख़त्म हो चुका है। 1947 में जो आखिरी प्रजाति थी उसको मार दिया गया था, एक राजा थे रामानुज के द्वारा, इनके द्वारा इसे मार दिया गया था। तो 1952 में इसे विलुप्त घोषित किया गया, उसके बाद में ये चीता है भारत में पूरी तरह से विलुप्त है, ऐसा घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में भारत में चीता नहीं बचे हैं, ये हमने देख लिया, डिफरेंस देख लिया था जगुआर लियोपार्ड के बारे में। फिर बात करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में, नटका के बारे में। नटका के बारे में क्या बात करनी, तो सबसे पहले नटका की स्थापना कब हुई थी, नटका की स्थापना है वो 2005 में हुई थी, ठीक है। कौन से एक्ट के तहत हुई थी इसकी स्थापना, ये एक्ट जरूर याद रखना। तो एक्ट के तहत हुई थी, इसका मतलब है ये एक स्टेचरी बॉडी है, स्टेचरी मतलब वैधानिक बॉडी है। अब कौन से एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 2005 में हुई थी, ये एक स्टेचरी बॉडी है, ये चीज़ समझ में आ गई। कौन सी जो टास्क फोर्स थी उसकी सिफारिश पर हुई थी, तो टाइगर टास्क फोर्स है उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ये टाइगर टास्क फोर्स क्यों बनाई गई थी, ये प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी। इसको इसलिए बनाया गया था, जो इंडिया में एक प्रोजेक्ट लाया गया था, प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, टाइगर के मतलब प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसका नाम था टाइगर टास्क फोर्स। इसने सिफारिश की कि इस प्रकार की एक अथॉरिटी होनी चाहिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की इन्होंने सिफारिश की थी, ठीक है। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, ये कब आया था, ये 1973 में आया था, 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर आया था जिसका नाम था टाइगर रिजर्व इंडिया, और शॉर्ट में इसे टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता था, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी मतलब स्थापना किसने की थी, किसने स्टार्ट किया गया था, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी और इसकी हेल्प की थी वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये WWF है, इन्होंने हेल्प की थी। तो इन दोनों के हेल्प से इसे शुरुआत किया गया था 1973 में। और हमने देख लिया है नटका की स्थापना है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना है वो 2006 में हुई थी, कौन से इस एक्ट के तहत, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। और काम क्या करती है, ये जो नटका है स्टेचरी बॉडी है, काम है इसका प्रोजेक्ट टाइगर है, उसको इम्प्लीमेंटेशन का इसका काम है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और इस कौन से मिनिस्टर है वो इसके हेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, वो इसके चेयरमैन की भूमिका निभाते हैं। तो इसके बारे में पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये पूरे यहाँ पे बात की गई 2005 में, पहले टास्क फोर्स बनाई गई थी, उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में एक क्वेश्चन भी देख रखा है, आपको ये क्वेश्चन अटेंड जरूर करना है। यहाँ पे बात हो रही है ब्लैक नेट क्रेन के बारे में, चीता है, फ्लाइंग स्क्वायरल है और स्नो लियोपार्ड है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, दे दो एक बार। फिर हम देखते हैं एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती, अब देखो आपको पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं, इसके बारे में पता नहीं, इसके बारे में पता नहीं, जा एक चीता के बारे में आपने सुना है, हमने अभी पढ़ा भी, और चीता के बारे में आपने सुना है
कि चीता है वो भारत में नहीं पाए जाते हैं। एशियाटिक थे खत्म हो चुके हैं, और जो अफ्रीका के हैं वो भी भारत में नहीं थे, तो चीता है भारत से खत्म हो गए। तो आपको एक पॉइंट पता है कि चीता भारत में नहीं है, बाकी सबका नहीं पता। तो जहाँ जहाँ तीन दिखे वहाँ उड़ा दो, चीता ये नहीं है, यहाँ पे भी चीता नहीं है, यहाँ पे भी चीता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात करें विच ऑफ द अबव नेचुरली फाउंड इन इंडिया, इसका मतलब है चीता नहीं है तो तीन ये गया है, ये पॉइंट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं। दो बच्चा, दो और चार, मतलब दो और चार में क्या क्या है, दो में है चीता नहीं, दो हटा दो, दो कहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ दो है ये नहीं है, यहाँ दो है ये नहीं है, यहाँ दो है ये नहीं है, फाइनल बी हमारा आंसर आ जाएगा। चीता है दो में, तो दो को हटा दिया, ये देखो दो यहाँ पे है, दो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तीन हट गए, फाइनली बी हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर है वो बी आ जाएगा, ये एलिमिनेशन टेक्निक काम करती, हमारा आंसर आ गया बी, चीता भारत में नहीं पाया जाता, बाकी चीज़ें वो भारत में पाई जाती है। ये क्वेश्चन इसको भी आप अटेंड करो, ये बात है भारतीय वन्य जीव संस्था के बारे में बात है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ये पॉइंट देख लो। दूसरी, ये पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, और ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है कि ये वन्य जीव वकालत के बारे में बात करते हैं, उत्कृष्टता के बारे में बात करता है, ये एक्सीलेंस के बारे में बात करता है, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बात करता है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट पता है, तो हमने अभी पढ़ा है कि इसकी स्थापना है वो 1972 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। तो पहला पॉइंट गलत हो गया, तो ये चला गया, ये चला गया, और ये भी चला जाएगा, क्योंकि तीनों भी नहीं है, तो फाइनल कौन सा बचा, बी। ऐसे आपको आंसर नहीं भी पता हो तो आप दे सकते हो, और ये पॉइंट हमारा सही है क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में आती है, ये उत्कृष्टता वाला भी हमने पढ़ा है, तो बी आंसर आ जाएगा। ये एलिमिनेशन टेक्निक काफ़ी काम आ सकती है आपके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये एशियाई के बारे में ये भी आप अटेंड कर लेना, देख लेना ऐसे ऐसे ईजी सा है, और फिर नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन अटेंड कर लेना, ये भी काफ़ी ईजी है। इन्फ्लेशन के बारे में ये आर्टिकल है, तो इन्फ्लेशन के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं डिटेल में काफ़ी, तो यही बात करते हैं। CPI क्या होता है, ठीक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो CPI अलग अलग चीज़ें होती हैं, आधार वर्ष इसका कौन सा है, आधार वर्ष दो रहा है, दो मतलब 2012 है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे IW होती है, फिर AL होती है जो लेबर के लिए होती है, ग्रामीण मजदूरों के लिए होता है, RL होता है, और एक होती है फाइनली होती है CPI, ग्रामीण शहरी संयुक्त रूप, और हमारे काम की यही है। कौन इसे जारी करता है, NSO के द्वारा जारी की जाती है, तो ये कुछ इसके बारे में पॉइंट थे, आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। ये चीज़ें देख लो। नेक्स्ट जो है मंगोलिया के बारे में हम देख चुके हैं, चाइना है, रसिया है, ये कजाकिस्तान है, बॉर्डर कैपिटल कौन सी है, तो ये कल हम बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं, विनोद भावे जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और ये डे वगैरह के बारे में। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।